गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट क्लास में जो हमारा चैप्टर था उसे कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 5, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, जिसमें कुछ हम पॉइंट्स टू बी रिमेंबर हैं, इनको हम पहले जान लेते हैं। द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अ कम्प्रीहेंसिव एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सबको लिख के रखना, वो कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बिटवीन द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर्स। अकाउंटिंग ईयर्स कौन से होते हैं? जो 30 जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं, 31 मार्च को क्लोज होते हैं। इन द BPO, BPO का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इज अ रिकॉर्ड ऑफ इनफ्लो ऑफ द आउटकम्स। जो हमारे इनफ्लो होते हैं और आउटफ्लोज होते हैं, उनका जो हम एक रिकॉर्ड रखते हैं उसे हम कहते हैं BPO। जैसे कि आपको नीचे एक डायग्राम में दिया हुआ है, अकाउंट्स ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ओके, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। हमारे पास दो तरीके के अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है बच्चों? द करंट अकाउंट रिकॉर्ड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। जो करंट अकाउंट है इसके अंदर जितने भी चीज़ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होती है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? इट रिकॉर्ड ऑल सच ट्रांजेक्शन बिटवीन द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच इज चेंज एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज यूजिंग द अकाउंटिंग ईयर्स। ओके, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ करंट ईयर्स क्या है और कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल ईयर क्या है? द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट इज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है। किसका बच्चों? गुड्स का। ओके, जो विजुअल आइटम्स होती है, गुड्स क्या होती हैं? जो विजुअल आइटम जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। जो सर्विसेज हैं उसका हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी करंट अकाउंट में काउंट होता है। एंड अगला आता है यूनिलैटरल ट्रांसफ़र्स। ओके, जो यूनिलैटरल ट्रांसफ़र्स है वो भी कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट में आता है। नेक्स्ट आता है बच्चों कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो FDIs हैं वो होती हैं, और नेक्स्ट आता है फॉरेन लोन्स, जो फॉरेन लोन्स है वो, और नेक्स्ट आता है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ओके, एंड देन आफ्टर द कंपोनेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, द कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट डू नॉट कोज अ चेंज इन द एसेट्स और लाइबिलिटी स्टेटस टू रेजिडेंस ऑफ कंट्री और इट्स गवर्नमेंट। द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट कोज चेंजेस इन एसेट्स और लाइबिलिटी कोजेज द, जैसे कि अभी हमने दोनों अकाउंट्स पढ़े, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है स्टूडेंट्स? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ द नेट डिफरेंस ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जो डिफरेंस आता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का ऑफ ऑल द विजुअल आइटम्स, ओके, जो भी विजुअल आइटम्स हैं उनके बीच में, दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगला आता है ऑटोनोमियस आइटम्स। ऑटोनोमियस आइटम्स कौन से होते हैं? आर दोज आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट विच आर रिलेटेड टू सच ट्रांजेक्शन एज आर डिटरमाइंड बाय द मोटिव और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड नॉट टू बी मेंटेन इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। दिस आइटम बी जनरली कॉल्ड द अबव लाइन आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, नेक्स्ट है अकोमोडेटिंग आइटम्स। अकोमोडेटिंग आइटम्स कौन से आइटम्स होते हैं? रेफर टू द ट्रांजेक्शन दैट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ एक्टिविटी इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। दिस ट्रांजेक्शन आर मेंट इन रिस्टोर्ड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब जो बैलेंस एंड पेमेंट के अंदर जो एकोमोडेशन होती है दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन ऑफ आइटम्स। नेक्स्ट आता है डिफेक्टेड ऑफ BPO अकाउंट। व्हेन टोटल इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन द अकाउंटिंग ऑटोमस ट्रांजेक्शन आर लेस देन टोटल आउटफ्लो। जो टोटल क्या है बच्चों? हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं ऑटोमस ट्रांजेक्शन्स, वो टोटल आउटफ्लो से कम हो तो वो कहलाता है डिफेक्ट ऑफ BPO। अगला आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर टू द रेट इन विच द यूनिट ऑफ करंट ऑफ कंट्री कैन बी एक्सचेंज फॉर द नंबर ऑफ यूनिट कंट्री ऑफ अनदर कंट्री। ओके, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। बच्चों इसको हम अच्छे से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में हम फॉरेन एक्सचेंज तक के डिस्कस करेंगे। आपको इसके बिहाफ पे होमवर्क में नोट्स प्रिपेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।